हाय फ्रेंड्स, काफी आपके तरफ से सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं कि गाइज ये हाईबॉक्स ऐप कब तक चलने वाला है। हाईबॉक्स ऐप क्या 25 जुलाई जो ज्यादातर अफवाह फैली हुई है और काफी वीडियो भी इसके ऊपर बने हुए हैं कि 25 जुलाई को हाईबॉक्स ऐप भाग जाएगा, कितनी रियलिटी है इसमें, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैं हाईबॉक्स का एम्बेसडर हूँ और मैंने यहाँ पर आज से नहीं नवंबर मंथ से हाईबॉक्स ऐप को यूज करता आ रहा हूँ। 660 लोगों की एक्टिव टीम है मेरी, 39 लोगों को डायरेक्ट एक्टिव किया है और वही अगर मेरी टोटल रेफरल टीम देखोगे तो 7000 से ज्यादा लोगों को मैं इस एप्लीकेशन को रेफर कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 712, 381, 788, 1800, 2100, मतलब अलग अलग लेवल पर लोगों को मैंने भेजा है। और इतने अनुभव के बाद मैं यहाँ पर आपको अपना रियलिटी बताऊंगा कि हाईबॉक्स ऐप की रियलिटी क्या है, क्या हाईबॉक्स ऐप अन्य ऐप की तरह भाग जाएगा अथवा लंबा टाइम तक टिकेगा, और टिकेगा तो कब तक ये चलने की संभावनाएं है। तो एंड तक वीडियो वॉच करना। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा और आप हाईबॉक्स ऐप की रियलिटी से रूबरू हो पाएंगे। क्योंकि अगर आज देखेंगे तो आज है 23 जुलाई और 25 जुलाई का बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहा है कि 25 जुलाई को भाग जाएगा हाईबॉक्स ऐप। तो आइए देखते हैं हाईबॉक्स ऐप कब तक चलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाईबॉक्स ऐप को, तो मैंने यहाँ पर जितना इसको गौर किया है वहां तक मैं पहुंचा हूं कि हाईबॉक्स ऐप लंबे टाइम तक टिकने वाला है। और जो ये 25 जुलाई बोला जा रहा है ना, तो एक लाइन में जवाब दूं तो शायद संभवतः 25 जुलाई को कभी भी बंद नहीं हो सकता। 25 जुलाई का जो ये एकदम लोगों के मन में जो बोला है ना, जुलाई में भाग जाएगा, जुलाई में भाग जाएगा, ये एक अफवाह है। और कहते हैं ना कि किसी झूठ को बार बार बोलो तो वो सच बनने लग जाता है, लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और कुछ हुआ भी यही, अगर आप YouTube पर जाते हैं और यहां पर अगर आप सर्च करेंगे सिंपल सा हाईबॉक्स ऐप भाग जाएगा, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस टाइप के कई वीडियोस यहाँ पर बने हैं, मेरे भी वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक चैनल को अगर आप देखोगे हाईबॉक्स ऐप वाला, उस एक ऐप उस चैनल को देखेंगे तो उस चैनल ने अपना नाम ही हाईबॉक्स ऐप भाग जाएगा के ऊपर लगा रखा है। मतलब उसने पूरा हाईबॉक्स ऐप के ऊपर बता रखा है। और वो कुछ हेटर्स लोग रहते हैं जो इस टाइप के, क्योंकि हाईबॉक्स ऐप के अल्टरनेटिव बहुत सारे मार्केट में ऐप आए हैं, तो अपनी ऐप को बढ़ाने के लिए दूसरे ऐप को गिराना पड़ता है, वही है ना कि टांग खींचने वाला काम, वो कुछ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब इसके पीछे मैं कुछ वजहें बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि शायद लंबा टिकेगा ये, अभी तो नहीं भागने वाला। देखिए सबसे बड़ी बात, किसी भी ऐप को भागने के पीछे जो बड़ी वजह रहती है वो ये है कि जिस पर्पस से वो आया है पैसे कमाने के लिए, वो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है या फिर पूरा नहीं हो पा रहा है, दो कंडीशन बनती है। अब हाईबॉक्स ऐप के साथ दोनों ही कंडीशन अभी फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। पहला कि हाईबॉक्स ऐप पैसा कमा चुका है, तो बिल्कुल नहीं, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसे कमाने की कंपनी वालों को। दूसरी यहां पर कि हाईबॉक्स ऐप यहां पर पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो यह भी गलत बात, क्योंकि आज के कंडीशन में हाईबॉक्स ऐप सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। देखिए जब तक एप्लीकेशन पैसा कमाता रहेगा ना, तो ऑब्वियसली इसको कोई, आप लोगों को कुछ भी खतरा नहीं है और इनको भी भागने का कोई जल्दबाजी नहीं है। आप यहां पर गौर करोगे तो 500 रुपए बॉक्स से लेके यहां पर 1 लाख रुपए के बॉक्स भी बिक रहे हैं। और आप देखोगे तो आप लोगों को कितना मिलता है, 1% से लेके 4%, और ये भी 4% अब जाके हुआ है, ज्यादातर 1% ही मिल रहा है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज अगर आप देखोगे यहाँ पर जो 1 लाख का ऑरेंज बॉक्स है, इसके सोल्ड ये कितने बता रहे हैं, लगभग 2,46,958, और 50,000 बॉक्स 2,18,000 सोल्ड बता रहे हैं।
30,000 के बॉक्स 2,47,000 सोल्ड हो चुके हैं, इतने बिक चुके हैं ये बॉक्स। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1,00,000 रुपए के 2,00,000 बॉक्स बिक जाना, यानी कि करोड़ों का अरबों का गेम हो चुका है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो फर्जी आंकड़े भी हो सकते हैं सोल्ड वाले, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने रियलिटी की है ना दोस्तों, आज के टाइम पे 1,50,000 से ज्यादा इनके एम्बेसडर बन चुके हैं पूरे भारत में, 1,50,000 एम्बेसडर। और एम्बेसडर बनने का क्राइटेरिया ये है कि वो कम से कम 50,000 या उससे ज्यादा की खरीदी करता होगा, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी एम्बेसडर हूं, मैंने देखा है लोग 1,00,000 रुपए के बॉक्स खरीद रहे हैं, किस उसमें कि उनको पर डे 1,000 रुपए की कमाई हो रही है, ठीक है। और एम्बेसडर बनने के लिए रेफर करना पड़ता है, और जो लोग रेफर टीम एक्टिव कर चुके हैं वो ऑब्वियसली 50,000 से 1,00,000 रुपए के बॉक्स खरीद रहे होंगे पर डे की बता रहा हूं ये, और इस हिसाब से लाखों लोग हैं यहां पर जो बॉक्स खरीद रहे हैं, इनका रेवेन्यू पर डे का लाखों नहीं करोड़ों निकल रहा होगा। और उस हिसाब से आप सोचिए कि इतना पैसा ये आपको दे रहे, मतलब ये ले रहे हैं, तो उस पैसे का कर क्या रहे हैं, भागने के लिए? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि देखिए ये कहावत है पुराने कि एक मुर्गी अंडा दे रही थी सोने का। जो लोग अगर अकलमंद होंगे तो रोज सोने का अंडा एक एक निकाल के और करोड़पति बन सकते थे, लेकिन एक बेवकूफ आया और उसने सोचा कि सब अंडे एक ही दिन निकाल लूं, मुर्गी का पेट फाड़ दिया और अंडे निकालने की कोशिश करी, मुर्गी मर गई। तो आज का जमाना उस बेवकूफ जैसा नहीं है कि एक बार पेट फाड़ लो काम खत्म, आज का जमाना सोने के रोज एक एक अंडे लेने का है, ये बात ध्यान रख लेना जो समझदार बंदा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी एप और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बना ली लाखों करोड़ों रुपए की, वो ऐसा ही गेम खेलने नहीं आया मार्केट में, उसको पता है हम सब उसके सोने की मुर्गी जैसे अंडे हैं, हम सोने की मुर्गी है एक तरीके से मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि हम लोग ही है जो उसको पैसा दे रहे हैं। आप सोचिए अगर हमने 1,00,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बॉक्स खरीदा, 50,000 का खरीदा, या किसी बंदे ने शुरुआत करी होगी 1,500 से, तो आज वो धीरे धीरे विश्वास करके 1,30,000 50,000 15,000 पे पहुंचे ही होगा। कुल मिला के हमारे इन्वेस्टमेंट से ही इनको पैसा मिल रहा है, हमें ये कितना दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं। बंदा ये भैया ये जो पैसा है ना हमारा लाखों करोड़ों रुपए इनके पास आ रहा है, और इस पैसे को ये ज्यादा जगह पर लगाकर इससे ज्यादा का रिटर्न निकाल रहे हैं, हमें तो 1% से संतुष्ट होना पड़ रहा है। अगर ये मैं बताऊँ आपको, मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ, शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ, कई मैंने ऐसे देखे, और भी कई गोल्ड वगैरह का भाव है, रियल इस्टेट है, और आज के समय में म्यूचुअल फंड है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो 1% से ज़्यादा पर डे देती है। अगर आप 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं ना, तो आप 1,00,000 रुपए के बदले में 1% आपको मिल रहा है, लेकिन 3%, 2%, 5% तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट, मैं ये कह रहा हूँ, एक अच्छी जगह हो रहा होगा जहाँ पर इनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, अब हमें 1% दे रहा है। आज का समय क्या है, दूसरे के पैसे पर बिजनेस करने का समय है। आज खुद की कैपिटल जो है ना कोई नहीं लगाता, दूसरों की कैपिटल पर गेम खेला जाता है। अब मैं आपको बताऊं, हमारे द्वारा इनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उस पैसे को ये लगाकर और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और उसमें 1% हमें दे रहे हैं, सीधा सा गणित ये है इनका। क्योंकि मेरी इनकी मीटिंग में भी इनसे बात हुई है, मैंने इनकी गूगल मीट पर मीटिंग भी अटेंड करी है, कई चीजें मैंने देखी है, और मैंने देखा है कि रियलिटी यही है, क्योंकि हमारे पैसों पर ये पैसा कमा रहे हैं, इसलिए इनको ज्यादा फायदा है, और हम इनके सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, और कभी भी ये हमारा पेट नहीं फाड़ेंगे, वो अलग बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर शेयर मार्केट तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा तो ये भाग जाएंगे। भाई अगर कोई नॉलेज वाला बंदा है ना शेयर मार्केट में, तो वो कभी भी लॉस में नहीं रहता है, वो प्रॉफिट में ही रहता है, बहुत रियर केस में लॉस में जाता है, बहुत कम चांसेस है, ज़्यादातर तो प्रॉफिट के है। और ये इतनी बड़ी एम्पायर लेके बैठे हैं, तो समझदारी से ही काम कर रहे हैं, और रियलिटी ये है कि ये कैसे भी करके रिकवर कर लेंगे पैसे को, तो ये इतनी आसानी से गेम नहीं खाएंगे। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग सक्सेस स्टोरी, शेयर मार्केट सक्सेस स्टोरी, तो बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएंगे जो डेली बेस पर 2%, 5%, 3% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं इंट्राडे से। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर कोई बंदा है ना वो करता है ना, तो गोल्ड से अच्छा खासा डेली का प्रॉफिट निकाल सकता है।
जितनी बड़ी कैपिटल उतना ही प्रॉफिट, ये एक बड़ी बात है। और इनके डूबने की नहीं वजह जो है ना वो एक और मैं बताता हूँ। अगर आप जब विड्रॉल निकालने जाते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप विड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है IMPS ट्रांजेक्शन विड्रॉल लिमिट 20,000 रुपये, नो डेली लिमिट, और टाइम पीरियड दिया है 24 से 48 घंटे, आप समझ रहे हैं, और 5% ट्रांजेक्शन फीस। ये तीन जो क्राइटेरिया है ना, यही इसकी सक्सेस स्टोरी है। पहले तो आप 20,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, तो इससे क्या होगा, इनके पास मनी का फ्लो बना रहता है कि अगर किसी कारण से कोई बंदा ज़्यादा ही पैसे निकाल ले तो इनके पास तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। 20,000 की लिमिट लगा दी, अब बंदा रोज ट्राई करेगा। हाँ, ऐसा है कि डेली लिमिट नहीं है, फिर भी बंदा 2-3 ट्रांजेक्शन लगा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लगा लेगा, फिर भी 80,000 बनता है, समझ रहे हैं ना। तो बंदा क्या है, 4-5 दिन तो लगा ही लेगा अपना टोटल मनी विड्रॉल करने में, फिर ऊपर से 48 घंटे का समय लेते हैं ये लोग, 24 तो बोल दे, 48 घंटे ही लगता है। अब 48 घंटे में कुछ भी खेल हो जाता है, मतलब एक दिन अगर खराब भी इनका चले गया, किसी को पैसा देना पड़ा तो दूसरे दिन देना है इनको पैसा, तीसरे दिन देना है बल्कि, तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है मनी को। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी, समझ रहे हैं। और अगली जो स्ट्रेंथ है इनकी जो है अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करना, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हाईबॉक्स ऐप पे डेली बेस पर या वीकली बेस पर मैंने देखा है अपडेट आ रहे हैं, कुछ नई नई चीजें ऐड हो रही है। जैसे अगर आप इनको देखेंगे तो ये पेन इंडिया टूर का प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्म सबमिट करो और ये पूरे देश भर में विजिट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इस चीज़ को स्केल करने के लिए ये एक्टिविटी हो रही है। पेन इंडिया टूर ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी कंपनी बड़ी हो रही है और इसीलिए पेन इंडिया टूर कर रहे होंगे। और ये केवल मैं आपको दिलासा देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है दोस्तों। अगर आप मानोगे ना, अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो ये रियलिटी है, रियल बता रहा हूँ, और ये रियल है। लाइव वेबिनार यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके खुद के जो है वो देखिए लाइव वेबिनार है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ, टेलीग्राम वगैरह पे इनके ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर आप इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे तो इनका ये हाईबॉक्स पर देखिए, ये 25,000 से ज़्यादा मेम्बर हैं और यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है लगातार दिख रही है। और सबसे कमाल की बात, सभी यूज़र यहाँ पर अपनी एक्टिविटी दे रहे हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि हाँ यार चीज़ें वर्क हो रही है अभी। और अगला एक अच्छा फीचर है कम्युनिटी वाला, अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया तो कर लेना, फिर कम्युनिटी आप देखो, तो कम्युनिटी में आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए बड़ी बड़ी टीम इनके साथ काम कर रही है ऑलरेडी, देखिए अच्छी खासी टीम, और इस टाइप से पेन इंडिया टूर चल रहा है, जो लोग काम कर रहे हो उनका पूरा डेटा यहाँ पर ये खुद ही डालते हैं, क्योंकि कम्युनिटी पर कोई भी इस माध्यम से पोस्ट कर सकता है प्लस पर क्लिक करके। तो देखिए वर्क हो रहा है ये, और अभी वो प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब देखो मतलब बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं अभी, ये मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है और दुनिया मतलब देश भर से पब्लिक धीरे धीरे इसके साथ जुड़ रही है, कंपनी बड़ी हो रही है। अब इसका क्या है, बड़ा होने का टाइम है, और है टाइम होने का बड़ा। और अगर आप कह रहे भाग जाएगी तो यार ये तो तुक नहीं बनता है ना, आप खुद देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप रिवॉर्ड पर देखोगे तो एम्बेसडर किट मिल रही है लोगों को, रेफरल से लोग पैसा कमा रहे हैं, एक्सक्लूसिव बोनस इन्होंने चालू कर दिया है, वीकली सैलरी चालू कर दी है, और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है रेगुलर बेस पर डेली साइन इन रिवॉर्ड, मंथली रिवॉर्ड, बिगनर रिवॉर्ड, इनविटेशन रिवॉर्ड, बहुत सारे हैं यार जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो बताते हैं कि किस बेसिस पर ये आगे जा रहे हैं। और अभी इनका प्लान है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उतरने का। अगर आप यहाँ पर देखें तो बिकम ए फ्रेंचाइजी, आप इनकी फ्रेंचाइजी बन सकते हैं, ले सकते हैं, पूरा सिस्टम बताया गया है किस टाइप से फ़ायदा होगा फ्रेंचाइजी लेने से। उधर देखें तो एम्बेसडर बहुत तेज़ी से इनके बढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के बड़ा ब्रांड ये बन रहा है, और ऐसे में इनका भागने का कोई तुकी नहीं बन रहा है। अभी तो लंबा टाइम तक टिकेगा, भविष्य की नहीं बता सकते, लेकिन अभी तो यार है इसमें अपॉर्चुनिटी जो कि लंबे टाइम तक टिकने की। तो
इंतजार मत करिए, अकाउंट बनाइए, मैं तो यही कहूँगा, और काम करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये पर्सनल एडवाइस है, कोई आपको इन्वेस्टमेंट या फिर आपका पैसा लगाने के एडवाइस नहीं है। एक बार रिसर्च कर ले, अच्छे से देख ले, उसके बाद अपने हिसाब से डिसीजन लेकर, सेल्फ डिसीजन लेकर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट रिस्क है, ऐप का रिस्क है, भागने का भी रिस्क है, तो कुछ भी है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये केवल एक एजुकेशन पर्पस जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से चीज़ों को समझ ले, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा लगाएं। धन्यवाद।